नमस्कार सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज के बिहार समाचार में कोरोना के टीका को लेकर बड़ी खबर। दिसंबर तक तैयार हो सकता है टीका। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया इसका खुलासा। मार्च 21 तक भारत को कोविड-19 वैक्सीन मिल सकती है। हालांकि यह तैयार दिसंबर 2020 में ही हो सकती है। 2 से 3 महीने का समय बाजार में लाने में लगेगा। इसका खुलासा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुदेश जाधव ने किया है। जाधव ने ICAL IDD के सहयोग से HEAAL फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंडिया वैक्सीन एक्सेबिलिटी इन शिखर सम्मेलन में कहा है कि भारत को मार्च 2021 तक कोविड-19 वैक्सीन मिल सकती है। नियामक इस प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। कई निर्माता इस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर जाधव ने कहा है कि भारत को दिसंबर 2020 तक टीकों के 60 से 70 मिलियन डोज मिल जाएंगे, लेकिन बाजार में मार्च 2021 में आने की संभावना है। दिसंबर और मार्च के बीच का समय लाइसेंस प्रक्रिया के लिए होगा। देश में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण के दौर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज स्वीकार किया है कि कोरोना संक्रमण के मामले में भारत सामुदायिक संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चरण में पहुंच चुका है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह केवल कुछ जिलों और राज्यों तक ही सीमित है। स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड अब शुरू हो गया है। वर्धन का यह बयान उनके साप्ताहिक केबिनार संडे संवाद के दौरान किए गए एक प्रश्न के जवाब में आया है। मालूम हो कि इस साप्ताहिक वेबिनार में केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया पर लोगों से बात करते हैं और उनकी तरफ से पूछे गए सवालों को जवाब देते हैं। एपिक में त्रुटि पर भी डाले जाएंगे वोट। नाम व पता सहित अन्य में त्रुटियां की जाएगी नजरअंदाज। चुनाव आयोग ने इस बार ऐसी गड़बड़ियों में दी है राहत। बिहार में चुनाव के दौरान मतदाता फोटो पहचान पत्र एपिक में मामूली त्रुटियों के बावजूद मतदाता वोट कर सकेंगे। पहले पीठासीन पदाधिकारी एपिक में नाम, माता पिता, पति या पता, लिंग व आयु में मामूली त्रुटियों के कारण वोटरों को मतदान से वंचित कर देते थे, मगर चुनाव आयोग ने इसे संज्ञान में लिया है और सभी ऐसे मतदाताओं को मतदान में शामिल करने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने एपिक में मतदाता के नाम, माता पिता, पति या पता, लिंग और आयु में मामूली त्रुटियों को नजरअंदाज करने को कहा है। इस संबंध में निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य सचिव बाला मुरुगन की ने निर्देश जारी कर दिया है कि निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य सचिव बाला मुरुगन की दी के अनुसार एपिक में मामूली त्रुटियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते मतदाता की पहचान फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके। यह 22 अक्टूबर को होने वाले बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर लागू किया हो गया है। निर्देश के अनुसार इस चुनाव को लेकर मतदाताओं की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। मतदाता की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात ही मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षकों की मारी गई पूजा की छुट्टी। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर प्राइमरी से लेकर प्लस टू स्कूलों तक के शिक्षकों की दुर्गा पूजा की छुट्टी मारी गई है। शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी एवं बूथों को अंतिम रूप से तैयार करने के लिए दुर्गा पूजा की छुट्टी में शिक्षक कर्मचारियों के लिए स्कूल खोले गए हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की दुर्गा पूजा की छुट्टी पहली पूजा के दिन से थी। विजयादशमी के बाद शिक्षकों के लिए स्कूल खुलने थे, लेकिन उसके पहले ही चुनावी ड्यूटी बजाने का फरमान शिक्षकों के हाथों तक पहुंच चुका था। प्राइमरी स्कूलों से लेकर प्लस टू स्कूलों तक के पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों को चुनाव में पोलिंग ऑफिसर से लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक की ड्यूटी बजानी है। पंचायती राज एवं नगर निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षकों की प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी बजानी है, जबकि पंचायती राज एवं नगर निकाय के प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी बजानी है। इसी प्रकार पोलिंग ऑफिसर को लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक की ड्यूटी प्राइमरी से लेकर प्लस टू स्कूलों के कर्मचारियों को भी बजानी है।
इससे इधर प्राइमरी से लेकर प्लस टू स्कूलों के पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, पोलिंग ऑफिसर एवं प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लेकर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट तक की ड्यूटी अपने स्केल के ओहदे के अनुसार बजाएंगे। इसके लिए शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पहले ही चुनावी नियुक्ति पत्र की तालीम कराया जा चुका है। पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त शिक्षक कर्मचारियों की पहले दौर की ट्रेनिंग शारदीय नवरात्र की पहली पूजा के पहले ही हो चुकी है, जिससे पहले चरण के चुनाव में ड्यूटी बजानी है। उनकी दूसरे दौर की ट्रेनिंग शारदीय नवरात्र में ही शुरू हो गई है। जिन्हें दूसरे तीसरे चरण में चुनाव में ड्यूटी बजानी है, उनकी भी दूसरे दौर की ट्रेनिंग शारदीय नवरात्र में ही होनी है। शिक्षकों ने की प्रधानाध्यापक बनाने की मांग, शिक्षक संघ के नेतृत्व पर लगाए गए गंभीर आरोप, मूल्यांकन कार्य में शामिल करने सहित सभी लाभ देने की मांग। राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों के अविलंब प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के साथ अन्य लाभ आदि देने की मांग की है। रविवार को बिहार के सभी कोटि के विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा शिक्षकों ने एक बैठक कर आगे की कार्य योजना पर चर्चा की। बैठक में संतोष कुमार, जयनंदन कुमार, अमित कुमार के नेतृत्व में हुई। सभी शिक्षकों की एक स्वर में कहा कि अन्य विषयों के शिक्षकों के समान हमारी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है। विद्यालयों में पठन पाठन सहित अन्य कार्यों को समान रूप से करने के बावजूद भी हमें प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति प्रभारी बनाने, मूल्यांकन कार्य से वंचित रखने सहित अन्य लाभ से वंचित किया जा रहा है। इधर शिक्षकों का कहना है कि शिक्षक संघ के नेतृत्वकर्ता ने भी हम सभी शिक्षकों की संख्या अन्य शिक्षकों की तुलना में कम होने के कारण अपने वोट बैंक की राजनीति को लेकर इस मामले को कभी गंभीरता से नहीं लिया और हमेशा गुमराह करते रहे। सभी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के एक स्वर मांग की है कि पूर्व की भांति हमें विद्यालय प्रभारी बनाने के साथ साथ प्रोन्नति देकर प्रधानाध्यापक के पद पर पद स्थापित किया जाए। इसके साथ ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षकों की डायरेक्टरी में शामिल करते हुए मूल्यांकन कार्य में प्रधान व सह परीक्षक नियुक्त करते हुए सभी लाभ दिया जाए। प्लस टू अतिथि शिक्षकों की बनी नई कमेटी, प्लस टू अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश स्तरीय बैठक रविवार को भूतनाथ रोड स्थित चंद्रशेखर पार्क में हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर विजय प्रसाद और मंच का संचालन डॉक्टर विपिन बिहारी ने किया। बैठक में विभिन्न जिलों के प्लस टू अतिथि शिक्षकों के वेतन संबंधी विसंगतियों पर चर्चा हुई। इस पर पूर्व के कमेटी को भंग कर दी कर नई कमेटी का गठन भी किया गया। बैठक में कामेश्वर सिंह, डॉक्टर संदीप कुमार, डॉक्टर अभिषेक कुमार, कुंदन कुमार, धीरज कुमार, परितोष कुमार, सोम प्रकाश, अभिनव कुमार सिंह के साथ अन्य लोग मौजूद थे। एक ही दिन दो परीक्षाएं, दी आंदोलन की चेतावनी। बीएसएससी की परीक्षा में 63,000 परीक्षार्थी, बीपीएससी इंटर स्तरीय बहाली मुख्य परीक्षा और बीपीएससी की बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को। बिहार में दो बड़ी परीक्षाएं एक ही दिन 29 नवंबर को आयोजित होने जा रही है। बीपीएससी इंटर स्तरीय बहाली मुख्य परीक्षा की तिथि पहले से ही 29 नवंबर को घोषित थी। उसके बाद बीपीएससी ने भी बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 29 नवंबर को ही आयोजित कराने का नोटिस जारी किया है। ऐसे में एक ही दिन दो परीक्षाओं के आयोजन की वजह से अभ्यर्थियों ने आंदोलन की धमकी देते हुए तिथि में बदलाव करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर बीपीएससी ऑफिस के आगे धरना। इधर बताते चले कि बीपीएससी की परीक्षा में 63,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि बीपीएससी में 50,072 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें 20,000 से 25,000 परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनको दोनों की मुख्य परीक्षाएं देनी है। एक ही दिन दोनों परीक्षाओं के होने से हजारों छात्रों के सामने समस्या आ गई है। छात्र युवा नेता सह राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा है कि दोनों आयोगों को आपस में सामंजन स्थापित करते हुए एक परीक्षा को आगे पीछे आयोजित करना चाहिए, ताकि किसी भी परीक्षार्थी की परीक्षा न छूटे और दोनों परीक्षा दे सके। दिलीप कुमार ने कहा है कि चूंकि बीपीएससी ने पहले से ही 29 नवंबर की तिथि घोषित कर रखी थी और बीपीएससी ने कुछ दिन बाद 29 नवंबर की तिथि घोषित की है, इसलिए बीपीएससी की परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करे। यूपी पंजाब में आज से खुलेंगे स्कूल, अभिभावकों की लिखित मंजूरी और सुरक्षा एहतियात जरूरी। कोरोना काल में महामारी के बीच राज्य एहतियात के साथ धीरे धीरे स्कूल और बाकी सेवाओं को शुरू कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश और पंजाब में 7 महीने के बाद माध्यमिक शिक्षा के स्कूल कॉलेज आज खुलने जा रहे हैं। पंजाब के अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवा भी आज से बहाल हो जाएगी। साथ ही अत्यधिक सावधानी के साथ सर्जरी की भी इजाज़त दी गई है। अभी सिर्फ 9वीं से 12वीं क्लास के ही
वही स्टूडेंट स्कूल आकर पढ़ाई कर सकेंगे जिनके अभिभावक उन्हें कॉलेज आने की लिखित मंजूरी दी है। स्कूल दो शिफ्ट में चलेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 8:50 से लेकर 11:50 तक चलेगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:20 से 3:20 तक होगी। विद्यालयों को दो शिफ्ट में टाइम में थोड़ा बदलाव करने की छूट है, लेकिन एक शिफ्ट 3 घंटे से ऊपर नहीं होगी। पहली शिफ्ट में कक्षा 9 और 10 और दूसरी शिफ्ट में कक्षा 11वीं और 12वीं कक्षाएं चलेगी। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।